का धन्यवाद देना चाहता हूँ। और लगातार हम और आप देख रहे हैं कि, तो दोबारा बोले आप, पहले कनेक्ट ठीक कर लीजिए। तो मुख्यमंत्री जी का टिकट घोषित हो गया, क्या चीज आवाज आ रही है आपके? तो क्या करूं फिर मैं? मैं अपने पत्रकार साथियों का धन्यवाद देना चाहता हूं और मैं आपके माध्यम से सभी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता नेताओं से भी अपील करता हूं कि जब भी पार्टी कार्यालय आए तो जो प्रोटोकॉल है कोविड प्रोटोकॉल को पूरी ईमानदारी से फॉलो करें। जहां हम लोग फॉलो कर रहे हैं वहीं हमें सभी कार्यकर्ताओं से अपील करता हूं एक बार फिर, क्योंकि चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है, इस प्रोटोकॉल के बहाने भारतीय जनता पार्टी ये भी साजिश कर सकती है कि जहां समाजवादी पार्टी के वोट ज्यादा हों एम्बुलेंस खड़ी कर दें। नगांव सादात का जब चुनाव था मैंने बहुत करीब से देखा था कि जहां जहां समाजवादी पार्टी का वोट था वहां पर एम्बुलेंस और पुलिस को लगा दिया गया था। जैसे ही कोई बाहर निकलता था लाठी मारते थे, अपमानित करते थे या फिर दबाव बनाते थे कि वोट डालने न जाएं, और अगर डालने जाओगे आप तो आपके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। इसलिए मैं सभी समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता नेताओं से अपील करता हूं कि जो चुनाव आयोग ने गाइडलाइंस दी हैं उन गाइडलाइंस का पालन करें, प्रोटोकॉल जो भी है कोविड प्रोटोकॉल को पूरा माने। आज हमारी पार्टी कार्यालय में नोटिस की दे दिया गया है, सुना है मेरे आने के बाद तुरंत उसको दीवार पे चिपका दिया गया। मैं जैसे ही पार्टी कार्यालय में घुसा हूं मैं देख रहा था रास्ते में बहुत बड़े पैमाने पे पुलिस चली आ रही थी, मुझे लगा कि शायद हमारी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। लेकिन जब मैं पार्टी कार्यालय के अंदर आ गया तो किसी ने मुझे खबर दी है कि आपके पार्टी कार्यालय पर नोटिस को चिपका दिया गया है। तो इसलिए मैं सभी कार्यकर्ताओं से नेताओं से कहूंगा कि घर रहें, अपने मोहल्ले में रहें, अपनी विधानसभा में रहें। हम लोग लगातार संपर्क कर करके जानकारी भी हासिल कर रहे हैं, परिस्थितियों के हिसाब से पूरी जानकारी कर रहे हैं और बहुत जल्दी टिकट घोषित हो जाएंगी। आपको यहां आने की जरूरत नहीं है, हो सकता है टिकट की सूची ना आए वैसे ही ए और बी फॉर्म दे दी जाए, क्योंकि कोविड प्रोटोकॉल का फॉलो करना है। अगर कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर प्रश्न लगेगा। जहां तक सवाल चुनाव लड़ने का है, कभी कहते थे कि मथुरा से लड़ेंगे, कभी कहते थे अयोध्या से लड़ेंगे, कभी कहते थे प्रयागराज से लड़ेंगे, कभी कहते थे देवबंद से लड़ेंगे। मुझे खुशी है इस बात की कि भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही उन्हें अपने घर भेज दिया। हालांकि वो कल से गोरखपुर में हैं, टिकट पहले बुक कराई थी उन्होंने 11 तारीख की, अब मुझे लगता है कि गोरखपुर में ही उन्हें रहना पड़ेगा। अब गोरखपुर से वापस आने की उन्हें जरूरत नहीं है, उनको बहुत बहुत बधाई। वो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य नहीं है इसलिए उन्हें घर भेज दिया है। आप किसी पार्टी के सदस्य न हो तब भी आप मुख्यमंत्री हो सकते हैं। हाँ, किसी पार्टी के सदस्य हो तब भी आप बन सकते हैं मुख्यमंत्री। और अभी तो जनता को भेजना था, जनता के भेजने से पहले ही भेज दिया इन्हें वापस। मैं भारतीय जनता पार्टी से कहूंगा कि अब किसी भी भारतीय जनता पार्टी के विधायक को मैं नहीं लूंगा,
अब आप जितनों के आप टिकट काटना चाहें काट सकते हैं, मंत्रियों को भी नहीं लेंगे, वो जिसकी टिकट काटना चाहे काटें, अब समाजवादी पार्टी में उनको नहीं लिया जाएगा। ये आजकल के जमाने में जो सोशल मीडिया और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से जो क्रिएट होते हैं मैसेजेस, उसी की तरह से एक मैसेज क्रिएट किया गया है। नहीं, हमारी पार्टी ने नहीं ऐसा फैसला लिया। मुझे अभी पत्र नहीं मिला है, फिरोजाबाद हमारा घर है। हाँ, एक गुंजाइश छोड़ सकते हैं, ये ठीक आया सवाल इधर से। हाँ, एक के लिए अभी जरूरत है हमें, क्योंकि अतुल अग्रवाल जी ने पूछा था, इधर से दूसरे अग्रवाल का नाम ले दिया, तो ठीक है। मैंने आपसे कहा कि समाजवादी पार्टी के गठबंधन के साथ 80% जनता है और 20% बीजेपी के खिलाफ लोग हैं, तो 100 हैं पूरे हमारे साथ। साफ होने जा रही है भारतीय जनता पार्टी इस बार उत्तर प्रदेश से। नहीं नहीं, ये पूछ लें, ये दिल्ली से आए हैं, इनसे इनको पूछ लें, ये सब पता है इनको, इसलिए पूछो सवाल। समाजवादी पार्टी से जो भी उन्होंने बात की, मैंने उसी समय आरएलडी से बात कर करके रामपुर मनिहारन वाली सीट छोड़ दी और साथ ही साथ गाजियाबाद भी सीट मैंने दी। 2 सीटें पूरी दे दी गई थी। उसके बाद उन्होंने किसी को फोन मिलाया, अब वो फोन किससे बातचीत हुई ये मैं नहीं जान सकता। और उसके बाद वो आए कि मेरा संगठन मेरे खिलाफ है, मैं चुनाव नहीं लड़ सकता हूं और मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, ये बात हुई थी। लेकिन अब वो फोन किसका था, किसकी साजिश थी, इसीलिए मैंने कहा कि आज के बाद अब समाजवादी पार्टी में दूसरे दलों को नहीं लिया जा सकता एक्सेप्ट वन। ये उनका पुराना है, लेकिन जन्मदिन के दिन ऐसा नहीं सवाल पूछना चाहिए। मैं उनके जन्मदिन पे बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ, उनको स्वास्थ्य बेहतर रहे। और जो बात आपने कही सब जानते हैं। अरे, आपने अपनी ही बात कह दी, फिर मैं क्या कहूँ। जब जवाब दे दिया आपने तो फिर मैं क्या बोल सकता हूँ। नहीं नहीं, आपका सवाल मुझे समझ में नहीं आया। जब आपने सवाल ही ये किया कि गोली दे दी गई है, राजनीति में गोली थोड़ी दी जाती है, राजनीति में तो भरोसा किया जाता है एक दूसरे पर। देखिए, डिप्टी सीएम कोई पोस्ट नहीं है, और इस तरह जो डिप्टी सीएम 2 आपने देखे, एक स्टूल वाले डिप्टी सीएम और दूसरा उन्होंने अपनी जिंदगी भर कूड़ा और तमाम नालों की सफाई में समय गुजारा, क्या लखनऊ साफ हो गया उनके डिप्टी सीएम बनने से, क्या लखनऊ स्मार्ट सिटी बन गया। लेकिन एक सच था, मुख्यमंत्री उन्हें ही बनना चाहिए था, लेकिन बाबा मुख्यमंत्री ने बनने नहीं दिया उन्हें। मैं कई मौकों पर कहा और सदन में भी मैंने उनसे कहा कि आपने कूड़ा और इसका जो जिम्मेदारी निभाई थी वो तक तो पूरी नहीं कर पाए, तो काहे के डिप्टी सीएम फिर। ये जो गोमती का किनारा है नदी, आप में से बहुत सारे लोग लखनऊ रहते हैं, 900 मीटर अगर जुड़ गया होता तो देश का सबसे बेहतरीन रिवर फ्रंट होता। और ये एग्जेम्पलरी काम किया था समाजवादियों ने, इसलिए समाजवादी पार्टी जहां लोगों को जोड़ रही है, हम अपने लोगों को थोड़ा पीछे करके दूसरों को साथ ला रहे हैं और जोड़ने का काम कर रहे हैं। इसलिए समाजवादी पार्टी लगातार पॉजिटिव पॉलिटिक्स कर रही है, हम नेगेटिव पॉलिटिक्स नहीं करते हैं। समाजवादी पार्टी प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स कर रही है
और ये जो लोग कह रहे हैं कि 80-20, ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने 4.5 साल के कार्यकाल में बिजली का कारखाने का नाम नहीं रट पाए। जो लोग अपने बिजली के कारखाने का नाम नहीं रट पाए उन्हें इस बात की तकलीफ है कि समाजवादी पार्टी ने क्यों फैसला लिया कि 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, किसानों को फ्री सिंचाई देंगे, लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूशन होगा। इसे समाजवादी पार्टी प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स और अपने प्रोग्रेसिव मैनिफेस्टो के साथ जनता के बीच में जाएगी। और जहां तक जोड़ने का सवाल है, समाजवादी पार्टी की कोशिश रहेगी कि हर वर्ग के लोगों को जोड़ें, हर वर्ग के लोगों को साथ लाएं, कम से कम दिखे कि हाँ समाजवादी पार्टी के साथ सब लोग खड़े। इसीलिए अपने लोगों को पीछे करके मैंने दूसरी पार्टी के नेता और बड़े बड़े मंत्रियों को साथ लाने का काम किया। अब हमारे पास गुंजाइश नहीं है, अब हम चुनाव में चले गए हैं, ए बी फॉर्म बढ़ चुके हैं, बहुत पार्टी आगे बढ़ चुकी है और बहुत त्याग किया है पार्टी की टिकटों को, बहुत पार्टी की टिकटों का मैंने त्याग किया है तब जाकर के जोड़ पाए। इसलिए त्याग कर करके हम लोग उनको साथ लाने का काम कर रहे हैं, बहुत सी चीजों को भुला करके हम लोग साथ ला रहे हैं। हम लोगों ने तो मुख्यमंत्री जी से सीखा, उन पर बहुत सारे मुकदमे थे, न जाने कितने मुकदमे उनके पास थे, उनके ऊपर न जाने कितने मुकदमे थे। हम लोगों ने जो कुछ सीखा है वो मुख्यमंत्री जी से सीखा है। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स कर रहे हैं, लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी वैसी हिट विकेट हो चुकी है, रन आउट हो चुकी है, वो पवेलियन से बाहर जा चुके हैं। अरे 4 सवाल इकट्ठे आ रहे हैं, लिस्ट जारी हो जाएगी और मैनिफेस्टो भी बहुत जल्दी आएगा। मैनिफेस्टो बहुत जल्दी लेकर के आऊंगा और समाजवादी पार्टी का मैनिफेस्टो प्रोग्रेसिव होगा। और कोशिश की जा रही है कि जिस तरीके से 2012 में बहुत ही प्रोग्रेसिव उत्तर प्रदेश का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बेहतर हो, उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं कैसे बेहतर हो, मेडिकल फैसिलिटीज बेटर कैसे हो, एजुकेशन कैसे बेटर हो, और आज के हिसाब से एजुकेशन के साथ साथ ट्रेनिंग अच्छी हो, और वहीं सोशल स्कीम्स कैसे हो, समाजवादी पेंशन जैसी एक शानदार अच्छी स्कीम जहां महिलाओं की मदद की जा रही थी, उनके सम्मान के लिए मदद हो रही थी, उससे कोशिश कर रही, उससे बेहतर स्कीम लाने का काम मैनिफेस्टो के माध्यम से होगा। गोरखपुर में इस बार समाजवादी पार्टी सभी सीटें जीतने जा रही है। जो मुख्यमंत्री वहां मेट्रो ना चला पाए, पहली घोषणा आप याद करो, आप में से अगर मैं गलत हूं तो मुझे ठीक करना, जिस समय मुख्यमंत्री जी झांसी पहुंचे उन्होंने कहा कि सरकार बन गई है, झांसी में मेट्रो होगी और गोरखपुर में मेट्रो होगी। तो जो मुख्यमंत्री अपने घर में मेट्रो न चला पाए हो, जो मुख्यमंत्री अपने यहां सीवर लाइन न बिछा पाए हो, इस बार भी लोगों को नाव से चलना पड़ा, सोचो गोरखपुर में। और जिस मुख्यमंत्री ने बिजली महंगी कर दी हो, बेरोजगार न जाने कितनी बार लाठी खाए गोरखपुर में, इस बार गोरखपुर की जनता इनको सबक सिखाएगी। नहीं, अभी तो कोई बात ही नहीं ऐसी, अभी तो मैं आपसे बात कर रहा हूं, मुझे तो आपके आने से पहले मुझे पता लगा कि उन्हें गोरखपुर से लड़ाया जा रहा है। और मैं तो ये मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें घर पहले ही भेज दिया, अभी तो जनता को भेजना था उन्हें घर।
मैं ये भारतीय जनता पार्टी को शोभा नहीं देता, क्योंकि उनके मुख्यमंत्री के मुंह से अगर आपने 4.5 साल में एक बार भी बिजली कारखाने का नाम सुना हो तो बता दो, एक बार भी सुना हो तो बता दो, नहीं सुना ना, तो इसका मतलब यह है कि वो बिजली की जो बन रही थी उसको भी पूरा नहीं किया। जितने बिजली के कारखाने समाजवादी सरकार में बन रहे थे वो अभी भी नहीं पूरे हुए, समाजवादी सरकार में पूरे होंगे और 300 यूनिट फ्री बिजली देने का काम भी समाजवादी सरकार में होगा। और बहुत सोच समझ के फैसला लिया, कोई ऐसा ही फैसला नहीं लिया, और फैसला उस दिन लिया जब नया साल था, पहली तारीख थी, 22 में ही चुनाव होना है, 22 में ही सरकार बननी है। समाजवादी पार्टी और हम लोगों ने पूरा होमवर्क करके जानकारी हासिल करके ही फैसला लिया है कि उत्तर प्रदेश में बिजली दी जा सकती है, बिजली पर्याप्त है। और जितना समाजवादियों ने काम किया, आप ललितपुर चले जाइए, बिजली के कारखाने किसने बनाए, सोलर एनर्जी के प्लांट किसने लगाए, आप महोबा में चले जाइए, सोलर के प्लांट किसने लगाए, जालौन उरई में चले जाइए, प्लांट किसने लगाए, आप बनारस मिर्जापुर में पता करिए, जहां पर फ्रांस के उस समय के प्रेसिडेंट आए थे और उन्होंने उसका उद्घाटन किया था, तो वो किसने लगाया। और कई 500 हेक्टेयर जमीन उरई जालौन में दी थी केंद्र सरकार को कि यहां पर बड़ा मेगा सोलर प्लांट लगा दो, लेकिन अभी तक केंद्र सरकार ने सहयोग नहीं किया। पता नहीं यूपी के साथ भेदभाव क्यों किया केंद्र सरकार ने। और मुझे याद है कलाम साहब जब आए थे राष्ट्रपति जी, उन्होंने 9 पॉइंट प्रोग्राम पर मुझे प्रेजेंटेशन किया था, उसमें 8 पॉइंट हम पहले से ही कर रहे थे, उत्तर प्रदेश में लागू कर चुके थे, जगह जगह उसकी योजनाएं चल रही थी। और जो उन्होंने कहा कि मिनी ग्रिड से एक गांव को सोलर से पूरा बिजली दीजिए, मैंने उनसे उसी समय निवेदन किया कि मैं बहुत जल्दी इसको लागू कर दूंगा। मैंने लागू किया, 3-4 महीने के अंदर मैंने वो गांव में बिजली फ्री दी, और उसका परिणाम यह हुआ कि उस समय के रहे राष्ट्रपति कलाम साहब खुद आए थे और उसका उद्घाटन किया था। आज भी उस गांव में पूरी फ्री बिजली है, वो चक्की चलाएं चाहे सोलर लाइट, घरों में बिजली जलाएं, चक्की चलाएं, अपना सिंचाई का काम करें, सब कुछ फ्री है। तो अगर एक गांव हो सकता है, उस समय और गांव भी मैंने दिए थे, कतनिया घाट के आसपास गांव दिए थे, अगर आपको याद हो लोहिया गांव, लोहिया घर जो दिया दिए थे उस समय, उसमें सभी में सोलर था, सोलर से एनर्जी से बिजली मिल रही थी, पंखे चल रहे थे। तो अगर वो काम क्यों नहीं हो सकता, वो काम पुनः समाजवादी सरकार में बढ़ेगा जिसमें गरीबों को कोई बिजली नहीं बिल ना देना पड़े। ऑफिसर तो भाजपा के ऑफिसर नहीं है, ऑफिसर बदल जाते समय के हिसाब से, तो जो उस पर विचार करेंगे, जो टिकट नहीं मांगेंगे और ऑफिसर होंगे उन पर विचार करेंगे। किसने जी, इंश्योरेंस एक दूसरा सवाल है, लेकिन सरकारी अस्पताल या ऐसी संस्थाएं प्राइवेट भी हों जहां गरीब को फ्री इलाज मिल जाए, समाजवादी पार्टी की कोशिश होगी कि उत्तर प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा गरीबों को फ्री इलाज मिले, उसको किसी भी दवाई जांच और बड़ी से बड़ी बीमारी में पैसा ना दे पड़ना पड़े। और इंश्योरेंस दूसरा विषय है, अभी नहीं बताएंगे, पार्टी तय करेगी उसी हिसाब से फैसला लेंगे। मुझे ये नहीं पता है कि समाजवादी पार्टी कार्यालय में धारा 144 कब लागू हुई थी, तो इसका क्या जवाब दें हम, जब हमें ये नहीं पता था कि यहाँ धारा 144 लागू है। अगर धारा 144 लागू है तो आज फिर FIR हो जाएगी। आप और हम सब बैठे यहां पर, तो जब समाजवादी पार्टी को और हमारी जानकारी में नहीं था कि पार्टी कार्यालय के अंदर, हमें तो ये जानकारी थी वर्चुअल रैली, अच्छा वर्चुअल रैली की डेफिनेशन हमें नहीं पता थी,
तो हमें ये लगा कि कुछ लोग सामने रहेंगे और वर्चुअली सबको भेजा जाएगी, कैमरे से सबको दिखाएंगे, तो जो लोग आ गए वो आ गए, हमने तो किसी को नहीं बुलाया। क्योंकि लीडर्स के सामने जब तक माइक ना हो और कुछ लोग ना हो तो बात निकलती नहीं है। तो इसलिए वो वर्चुअल रैली थी, वो लोग जो आ गए, आने वाले समय में हम कोशिश करेंगे कि ऐसे लोग ना आए और जो प्रोटोकॉल है उसको फॉलो करें। हैं? प्रशासन कभी भी ध्यान नहीं देगा। इन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं को चौपट किया है। आज गरीब को कहीं इलाज नहीं मिल रहा है, ना ऑपरेशन हो रहे हैं सरकारी अस्पताल में, ना दवाई मिल रही है, ना जांचें हो रही हैं। तो राजधानी में अगर ये हालत है कि हॉस्टल के बच्चे जो माँ बाप से दूर हैं और यहाँ पर पढ़ाई करने आए, अगर उनकी देखभाल सरकार नहीं करेगी तो कौन देखभाल करेगा? इसलिए सरकार की जिम्मेदारी बनती है उन बच्चों को अच्छा से अच्छा इलाज और तुरंत प्रोटोकॉल के तहत जो दवाइयां उपलब्ध करानी चाहिए वो उपलब्ध कराएं। सर, आपने योगी सरकार के चार बड़े अधिकारियों के ऊपर समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग की शिकायत की, उसमें आगे क्या कोई संवाद हुआ? देखिए, अगर विपक्ष की सरकार होती तो सब अधिकारी अभी तक हट गए होते। जब सत्ता एक जगह हो, दोनों पार्टियों की सत्ता एक जगह हो, दोनों सत्ता एक पार्टी की है, हमें उम्मीद है कि चुनाव आयोग इन बातों को देखेगा और इन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करेगा। तो हम तो चाहते हैं जल्दी चले जाएं, जाना चाहते हैं तो जगह तब भी खाली हो। नहीं नहीं नहीं, रुकेंगे नहीं। हम एक विचारधारा और एक लड़ाई लड़ रहे हैं, किस किस को रोकेंगे, कब कौन चला जाए। कभी कभी राजनीति में वो परिस्थितियां बनती हैं जहां बड़े चेहरे बड़े नेताओं को भी साथ जोड़ा जाए, इसलिए उनको जोड़ने के लिए त्याग समाजवादी पार्टी ने किया है। कई बार ऐसा भी देखने को मिलता है कि जो नेता हैं उनके आने से एकदम माहौल बदल जाता है। तो अच्छी बात है, किसी के आने से अगर बाहर आए तो अच्छी बात है। हाँ? मैं अब क्या बोलूं उस पर। तुम बात ही नहीं समझ पाते हो। नहीं, 80 मैंने ये कहा कि 80% लोग समाजवादी पार्टी और सहयोगी दलों के साथ हैं। जब से वो लोग आ गए हैं तो 20% खिलाफ लोग भी उनके हमारे साथ आ गए। तो जब खिलाफ लोग आ जाएंगे, गठबंधन के साथ पहले से 80% लोग थे, तो इनका सफाया हो जाएगा। वो स्टूल वाले उप मुख्यमंत्री हैं। समाजवादी पार्टी उन्हीं महिला प्रत्याशी उतारेंगे जो जीतेंगी, हम हारने के लिए नहीं उतार सकते। वो अपनी सीट पर लड़ेंगे, जो उनकी सीट है वो अपनी सीट पर लड़ेंगे। अगर उनकी सीट ही नहीं पता तो कैसे तुम पत्रकार हो? नहीं, वो तो सांसद है, सीट नहीं पता उन्हें उनकी। आपके लिए इंश्योरेंस, हमारे पत्रकार साथी ने कहा, वो बात मान ली, आपके लिए इंश्योरेंस। इंश्योरेंस पहले, इंश्योरेंस फिर आगे सरकार बनवाओगे तब विचार करेंगे। एक एक सवाल पूछोगे तो हम जवाब दे सकते हैं। नहीं, लेकिन इसके साथ साथ
मैं उनका सभी का धन्यवाद देना चाहूंगा जो जो समाजवादी पार्टी के लिए समर्थन दे रहे हैं वर्चुअली, क्योंकि रैलियां अभी संभव नहीं है, कार्यक्रम जनता में नहीं हो पा रहे हैं, तो जो समर्थन दे रहे हैं मैं उन सभी राष्ट्रीय नेताओं का और जो दूसरे प्रदेश के नेता हैं उन सब का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। कौन? ये अभी बैठे हैं, यही बैठे रहेंगे। अरे ये हम पे छोड़ोगे, क्या करना है हमें? ए रुक जाओ भाई, ए लड़ाई वड़ाई मत कराओ, हम सब बड़े चेहरा हैं, हम सब बड़े चेहरा हैं, हैं? क्यों, हम क्या हैं, हम क्या हैं, या तुम क्या हो बताओ, ये क्या बात हुई, हम भी तो वही हैं, हम प्रोग्रेसिव हैं। दारा सिंह जी आ रहे हैं, मंत्री रहे हैं, सांसद रहे हैं, बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं, तो कल कोई कार्यक्रम नहीं होगा, इसी प्रेस की तरह हम लोग उनको शामिल करेंगे और उनके साथ कुछ लोग हैं उनको भी मैं शामिल करूंगा। कितना बेमन खा रहे थे देखा नहीं आपने? आप तस्वीर में देख के लगा मुझे, बड़ा बेमन खा रहे थे, और खिचड़ी खाने का तो वक्त ही है उनका। कांग्रेस है नहीं अभी कहीं, कांग्रेस अभी कहीं नहीं है, कांग्रेस केवल साजिश कर रही है, बस केवल साजिश कर रही है, कांग्रेस दिल्ली में बैठ के केवल साजिश कर रही है कि उसे समाजवादी पार्टी को कैसे हरा दें, समाजवादी पार्टी का कैसे नुकसान हो, दिन रात यही प्रैक्टिस हो रही है, यही कोशिश हो रही है कि समाजवादी पार्टी को कैसे कमजोर कर दें, कई दल हैं इसमें। क्या चीज, इनका सवाल नहीं समझ में आ रहा मुझे। और कांग्रेस अगर सीट ना निकाल पाए तो फिर किससे अलायंस करेंगे भाई? कांग्रेस से अलायंस नहीं करेंगे। हाँ वो उतना ही समझिए जितना मैंने कहा कि कांग्रेस साजिश कर रही है समाजवादी पार्टी की सरकार न बन जाए। नहीं मेरी कोई बात नहीं हो रही, उसने उनके बारे में मैं क्या कह सकता हूं, किसने हमारे लिए, तो अभी कहां 403 होने घोषित, 430 जो सबसे पहली घोषित हुई थी वो बताओ कौन सी थी, आप खुद करेक्ट कर देते उनको, सबसे पहले कौन सी घोषित की थी बताइए आप? नहीं अभी तो बहुत होनी है घोषित, अभी तो 403 होनी है। मैं भी आपसे कहूंगा कि मैं भी अपने मंदिर बना रहा हूं, उनको भी देखाइए, मैं भी बना रहा हूं, एक सैफई में और एक इटावा में, नहीं भगवान के मंदिर है, क्योंकि भगवान देखो भगवान श्री राम को ऐसे मत कहो,
देखिए हम सभी भगवानों को मानते हैं, हम सभी भगवानों को मानते हैं, भगवान विष्णु के जितने अवतार हैं देवी देवता उन सबको मानते हैं। और क्योंकि बहुत कई बार बहुत जानकारी नहीं होती है इसलिए ज्यादा बोलना ठीक नहीं है, लेकिन आने वाली पीढ़ी सही चीजें समझे इसलिए समाजवादी पार्टी और हम लोग पहले प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स करेंगे क्योंकि उससे जीवन बदलेगा लोगों का। सड़क अच्छी हो, अस्पताल अच्छा हो, स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी हो, नहीं शेर होगा तो पढ़ देंगे। हैं किसका? अरे नकली अकाउंट चलते हैं, तुम भी कहां है, किसका अकाउंट देख रहे हो? किसी नकली अकाउंट तो नहीं देख रहे हो? फेक अकाउंट बहुत चलते हैं आजकल, बीजेपी चलवाती है फेक अकाउंट। आपको क्या तकलीफ है? नहीं अगर कोई तकलीफ हो तो बताओ हमें। नहीं अगर आपको कोई तकलीफ हो तो बताओ ना। वो लगातार हमारे संपर्क में, लगातार प्रत्याशियों से बातचीत कर रहे हैं, लगातार नेताओं से बात कर रहे हैं। आपको बताना क्यों कि कौन क्या कर रहा है? जो अच्छी बात कहोगे स्वीकार कर लेंगे। ठीक बात, ये मैं आपसे सहमत हूँ। नहीं कई बार ऐसा हो ना, कई बार ऐसा होता है पता नहीं लगता कि कौन सूची जारी हो रही थी किसी की। हम इस उम्मीद में थे कि मुख्यमंत्री जी पता नहीं कहाँ लड़ेंगे चुनाव, पता लगा वो घर भेज दिए गए, इसलिए दे रहा है। हाँ ये बात इनकी स्वीकार करते हैं कि प्रेस में जो समय दिया जाएगा उससे 5 मिनट पहले आ जाएंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू। नहीं नहीं अभी, अरे भाई गाना लॉन्च होना है पार्टी में, जाइए मत। मैं चाहूंगा तुम बैठ जाओ, ऊपर ही बैठ जाओ। हाँ दो तीन वीडियोस हैं वो चला देना। देखिए वो एक बहस लंबी है, एक मिनट रुक ले, दोबारा साउंड नहीं आ रहा। हाँ देखिए लोहिया इंस्टीट्यूट और लोहिया अस्पताल, क्योंकि एक एक विभाग दो अलग अलग विभाग हैं, तो दोनों अलग अलग विभाग एक साथ नहीं आना चाहते, पता नहीं कारण क्या है। लेकिन वो इंस्टीट्यूट अच्छी चले, नेताजी ने बनवाई थी, उसको आगे मैंने बढ़ाया, और वो ऐसी इंस्टीट्यूट है जहां पर फ्री इलाज मतलब सस्ता इलाज मिलता था। लेकिन जब वो मर्ज हो जाएंगे तो बजट कौन देगा सस्ते इलाज के लिए, इसलिए सरकार पीछे हट जाती है। सरकार को वही डॉक्टर नर्सेस स्टाफ को सुविधा देनी चाहिए जो समाजवादी सरकार में सुविधाएं मिली थी। मुझे याद है वहां पर सभी लोगों ने आंदोलन किया था और ये कहा कि जो पीजीआई की सुविधाएं हैं वो उस इंस्टीट्यूट में मिलनी चाहिए। मैंने तय किया और लागू हो गई थी। तो जो उनकी डिमांड्स हैं उनको पूरा किया जाए, एक इंस्टीट्यूशन अच्छी है जहां पर सस्ता इलाज होता है, फ्री इलाज मिलता है, जांचें भी फ्री थी, मशीनें भी बहुत थी। वो मर्ज हो या मर्ज बनकर के यूनिवर्सिटी या कॉलेज कैसे बने, उस दिशा में सरकार को काम करना चाहिए। और ऐसे नहीं काम करना चाहिए कि रिवॉल्वर लेकर के चले जाओ और MRI मशीन खराब कर दें। जिस समय मैंने स्मार्ट विलेजेस बनाने का काम किया था वहां पर पायलट प्रोजेक्ट में कई गांव में RO मशीन लगाई थी, और कई गांव ऐसे हैं, सोनभद्र है, उन्नाव है, रायवली, जिसमें किसी में फ्लोराइड ज्यादा था, किसी में आयरन ज्यादा था, और आयरन और फ्लोराइड के ज्यादा होने की वजह से कई बीमारियां होती, हड्डियों को टूट जाना, बाल गिर जाना, आईसाइट का कमजोर होना। तो वहां पर RO मशीन लगाना शुरू कर दिया था, और कुछ जगह ऐसे पायलट प्रोजेक्ट स्कूल में RO की बड़ी बड़ी मशीनें लगाई थी, एक्वागार्ड कंपनी उसने RO मशीन लगाई थी। तो जहां पर शिकायत है पानी को लेकर के वहां पर जरूर इस तरह का शुद्ध जल देने का इंतजाम होना चाहिए।
मैं नौजवानों से कहना चाहूंगा कि नौजवानों साथ आइए, आगे बढ़िए, पॉजिटिव पॉलिटिक्स करिए, प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स के लोगों के साथ खड़े होइए, डेवलपमेंट के साथ खड़े होइए, जो इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाए ऐसी पार्टी ऐसी सरकार के साथ आइए, जो लोग नफरत फैलाएं, समाज को बांटें, डिवाइड एंड रूल करें, उनको नकारने का काम करें इस चुनाव में। SCL यहां आया है, कोशिश होगी SCL की तरह जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं अगर यूपी में आएंगी तो जहां कंपनियों को अपना लाभ मिलेगा वहीं यहां के नौजवानों को भी नौकरी रोजगार मिलेगा। मेरा लालच यही होगा कि अगर लखनऊ तक SCL आ गई तो SCL जैसी कोई और संस्था अगर पूर्वांचल में आना चाहेगी और बुंदेलखंड में आना चाहेगी तो अगर कोई भी सुविधा देनी पड़ेगी SCL से ज्यादा सुविधा देनी पड़ेगी तो समाजवादी सरकार में SCL जैसी सुविधाएं देने का काम करेंगे। साथ ही साथ जब समाजवादी पार्टी 20 लाख के लगभग लैपटॉप बांट सकती है तो लाखों नौकरियां, वो मैनिफेस्टो का इंतजार करना है इसलिए अभी नहीं कहेंगे। जब 20 लाख लैपटॉप समाजवादी सरकार बांट सकती है तो सोचो IT डिपार्टमेंट में कितनी अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे ही हमने कुछ कहा बीजेपी चोरी कर लेगी, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं जो सरकार जो पार्टी 20 लाख लैपटॉप दे सकती है तो सोचो कितने लाखों जॉब्स IT सेक्टर में क्रिएट कर सकती है। और मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि जिस समय मैनिफेस्टो आएगा IT से रिलेटेड और IT से संबंध रखने वाले कोर्सेज जो पढ़ करके बच्चे आए न जाने कितने बड़े पैमाने पर समाजवादी सरकार में नौकरियों की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और जो 20 लाख हैं, एक एक सक्सेसफुल स्टोरी है 20 लाख में।